पांच जूतों की सजा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के थाना आदमपुर इलाके में एक मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को गांव की पंचायत ने पांच जूते मारने की सजा सुनाकर पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। इस मामले के मीडिया में आने के बाद जनपद के पुलिस अधीक्षक ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई की बात कही है। आपको बता दें कि अमरोहा जनपद के थाना आदमपुर इलाके में आने वाले एक गांव में रहने वाली मासूम बच्ची अपने ही गांव में अपने भाई के साथ गांव के पास खेत में खेल रही थी। बच्ची के परिवार के लोग बाहर गए हुए थे, तभी एक गांव का युवक खेत पर चला गया, जहां बच्ची की मां की तबीयत खराब होने की बात कहकर वो युवक उस बच्ची को अपने साथ अकेले ले आया और उसका भाई खेत पर चलता रहा। घर पहुंचते ही आरोपी युवक ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और मासूम बच्ची के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। जब मासूम बच्ची ने शोर मचाया और विरोध किया तो आरोपी युवक उसे छोड़कर फरार हो गया। पड़ोस की रहने वाली महिला ने बच्ची को उसके घर पहुंचाया और जब मासूम बच्ची के परिजन आरोपी युवक के घर पहुंचे और शिकायत करने के लिए थाने जाने लगे तो आरोपी युवक मासूम बच्ची के परिवार वालों के पैरों में पड़ गया और माफ़ी मांगने लगा। इस गांव के लोगों ने बैठकर पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए आरोपी युवक को पांच जूतों की सजा सुनाई और पूरे मामले को रफा दफा कर दिया। इस पूरे मामले के मीडिया में आ जाने के बाद अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक ने तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की बात की है। कल जो गांव में मामला हुआ है, क्या मामला था? ये मामला ये था, ये लड़के कुछ हरकत सी हुई, पर हमारी लड़की आएगी सीमा, तो ये जो लड़का मतलब हाथ पैर जोड़न लगा और जो कहने लगा जी कुछ नहीं है, मतलब बुलाया हमने तो फिर ये परिजन अभी आए इनके, हमने इनसे कहा, इन्होंने जो कुछ आनाकानी सी करी तो हम बोले मैंने सुसरा अब ये मामला ऐसा नहीं है, तो ये फिर हरकत करेंगे कब, मानोगे बात नहीं। फिर कुछ नहीं, फिर जो इन्होंने भी डाटा डाटा सब परिजन आए गए तो उसमें मामला शांत हो गया और सब फैसला हो गया। क्या फैसला हुआ था? फैसला कुछ नहीं हुआ, फैसला ये हो गया कि आंदाज है ना तो हम इनके घर जाएंगे ना ही कैसी ऐसी हरकत करेंगे, लड़के ने जो माफी मांगी अच्छा, उसको सुना पंचायत में पीटा गया ना, पंचायत कोई नहीं जुड़ी, ना पंचायत तो हम ही, हम परिजन है, हमें तो हम ही इकट्ठे और कोई नहीं था, और ये जैसे आप ठड़े वैसे ही जब थे। देश में इस प्रकार की खबर अखबारों के माध्यम से हमारी जानकारी में आया है, इसके लिए हमने जो थाना प्रभारी है उनको गांव में भेजा है, लोगों से बातचीत की जा रही है, पालिका और परिजनों से भी बातचीत की जाएगी और जो भी उनकी तहरीर होगी उसके आधार पर आगे कार्यवाही की जाएगी।